नमस्कार, न्यूज एट 4 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत लखनऊ से आ रही एक बहुत बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी। अधिसूचना पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की रोक 20 दिसंबर तक फिलहाल बरकरार रहेगी। सरकार से रिपोर्ट तलब की गई है और 20 दिसंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी और तब तक चुनाव की अधिसूचना पर रोक जारी रहेगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से और ये बड़ा मामला। हाईकोर्ट ने स्टे को 20 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। मतलब ये कि राज्य चुनाव आयोग निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी फिलहाल कम से कम 20 दिसंबर तक नहीं कर पाएगा। इस बीच में सरकार को रिपोर्ट देनी होगी ओबीसी आरक्षण से जुड़ी, जिस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अधिसूचना पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। यह इस वक्त की ताजा और सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सुनवाई आज भी हुई, सुनवाई कल भी हुई थी, आज वो जारी थी, लेकिन आज जब सुनवाई समाप्त हुई तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कह दिया कि 20 दिसंबर तक तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता, फिर से सुनवाई होगी और सरकार से रिपोर्ट तलब की है आरक्षण से जुड़ी, ओबीसी आरक्षण से जुड़ी। हमारे दो संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अनुभव शुक्ला और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन। लेकिन पहले चलेंगे अनुभव शुक्ला के पास, क्योंकि लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही थी। अनुभव, आज क्या हुआ सुनवाई में, क्यों दिया आदेश कोर्ट ने और सरकार से कौन सी रिपोर्ट तलब की है? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दो दिन पहले राजेंद्र इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता कोर्ट गए और उन्होंने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और ये कहा कि देखिए उसमें ये क्लियर गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि जब भी स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे तो ट्रिपल टी का एक फार्मूला होता है, यानी कि किस तरीके से जो आरक्षण है वो दिया जाएगा उसका एक फार्मूला है। और यहाँ जो आरक्षण घोषित किया गया है, खासतौर से 5 दिसंबर को जो आरक्षण का प्रस्ताव जारी किया गया, आरक्षण की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 17 नगर निगम, 200 मेयर और 500 से ज़्यादा जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उनके लिए रिजर्वेशन की सूची थी, उस पर ही रोक लगाने की मांग की थी। और सबसे पहले फिर कोर्ट ने कल तक के लिए ये अधिसूचना पर रोक लगाई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग जारी ना करे, फिर सुनवाई आज तक थी तो फिर उसके बाद इसे आज तक के लिए बढ़ाया था। और आज जब सुनवाई हुई है तो साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि जो दलील है, सरकार ने जो बातें कही हैं, जो वकीलों ने पक्ष रखा है, उसे संतुष्ट नहीं है। अब 20 तारीख तक इस मामले की सुनवाई अब 20 तारीख को होगी और तब तक जो अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है राज्य निर्वाचन आयोग, तब तक अधिसूचना नहीं जारी करेगा और ना ही नगर विकास विभाग जो है वो जो उसने लिस्ट जारी की है आरक्षण की, खासतौर से मेयर की, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष की, वो फाइनल लिस्ट भी नहीं जारी करेगा, उस पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है राजेंद्र, माना जा रहा था कि ये नगर विकास विभाग की ओर से आज एक फाइनल लिस्ट जारी होनी थी रात में, वो हो जाती और वही लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी जाती और उसके बाद हो सकता है 15 को या फिर 16 दिसंबर को, माना जा रहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी कर सकता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी कल गृह विभाग के साथ बैठक की थी और उसमें अपनी टेंटेटिव तैयारी क्या है, किस किस डेट के बीच वो कराना चाह रहे हैं, 3 चरणों में इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, पुलिस कहां पर किस तरीके से मौजूद रहेगी, इन सारी चीज़ों को जाना था। इसीलिए ये माना जा रहा था कि 1-2 दिन के भीतर तारीखों का ऐलान हो जाएगा, पर चूंकि अब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सूचना जारी करने पर रोक बिल्कुल 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 आप कह रहे हैं कि गृह विभाग से भी बातचीत हो गई थी और उसके बाद जो है इस पर अधिसूचना भी जारी होनी थी 1-2 दिन में, लेकिन फिलहाल 20 दिसंबर तक रोक लग गई है। मोइन के पास चलते हैं, प्रयागराज में मौजूद है, उनके पास इस सारे संदर्भ में क्या सूचना है, आइए उनसे भी प्राप्त कर लेते हैं। मोइन, आपके पास क्या जानकारी है? जी बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह कोई पहला मौका नहीं है जब निकाय चुनाव कानूनी पेचीदगियों में फंसा हो और उस पर रोक लगाई हो। अगर हम 2017 के शहरी निकाय चुनाव की बात करें तो वो चुनाव भी तकरीबन 6 महीने देरी से हुए थे और मामला आरक्षण का ही था, हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और तमाम अर्जियां हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। पिछले साल उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें भी जो है इसी तरीके का मामला था, हाईकोर्ट ने पहले रोक लगाई, उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अप्रैल और मई महीने में चुनाव संपन्न कराए गए थे। इस बार की अगर हम बात करें तो लखनऊ बेंच ने रोक लगाई हुई है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो प्रधान पीठ है जो प्रयागराज में है वहां पर याचिकाएं दाखिल की गई हैं और कल से इन याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है। अब जब लखनऊ बेंच ने पहले ही रोक लगा दी है तो निश्चित तौर पर वो आदेश यहां भी लागू रहेगा। आपको रोकेंगे, आपने बड़ी जानकारी दी है कि बहुत सारी याचिकाएं
मुख्य जो पीठ है प्रयागराज हाईकोर्ट की, वहां पर भी दाखिल की गई है और आरक्षण को लेकर ही दाखिल की गई है। लेकिन इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं और उनके वकील शरद पाठक साहब इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। पाठक साहब स्वागत है आपका एबीपी गंगा। शरद पाठक जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही। स्वागत है आपका सर। हमें बताएं कि आपने कोर्ट से क्या मांग की है, क्या याचिका आपने दाखिल की है? हमारी याचिका जनहित याचिका मुख्यतः दो बिंदुओं पर है जी। नंबर एक तो माननीय उच्चतम न्यायालय की एक व्यवस्था है कि अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग को लोकल बॉडी में आरक्षण देना चाहते हैं तो आपको एक ट्रिपल टेस्ट की एक्सरसाइज करनी होगी और उस एक्सरसाइज को किए बिना आप ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दे सकते जी। और यहाँ राज्य उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वो एक्सरसाइज किए बिना निकाय चुनावों में ये आरक्षण ओबीसी को उन्होंने प्रस्तावित कर दिया जी। तो इस बिंदु पर हम लोगों ने यहाँ पर याचिका जनहित याचिका दाखिल किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है और उस पर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने संज्ञान लेते हुए याचिका हमारी सुनवाई हेतु स्वीकार किया है जी। और 20 तारीख डेट लगा दी है और तब तक चुनावों पर रोक लगा दिया, निकाय चुनावों पर रोक लगा दिया जी। सरकार से किस प्रकार की रिपोर्ट मांगी है लखनऊ बेंच ने पाठक साहब? सरकार से ये मांगा गया है कि क्या आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में ट्रिपल टेस्ट की एक्सरसाइज की है कि नहीं की है जी, ये पूछा गया है। और सरकार ये जवाब देने के लिए 3 दिन का उन्होंने समय मांगा और 20 तारीख डेट लगा दी। तो अभी तक जो 2 दिन की सुनवाई हुई थी इसमें सरकार की तरफ से क्या बातें कही गई, क्या इस पर प्रकाश डालेंगे? सरकार ने 2 दिन भी कल भी टाइम लिया, कल ही पहली डेट थी, पहले दिन तो फ्रेश में सुनवाई हुई थी 12 तारीख को जी जी, और कल की पहली डेट लगी थी, कल उन्होंने समय लिया था आज के लिए और आज से 3 दिन का समय लिया जी। पाठक साहब एक महत्वपूर्ण सवाल और हमारे दर्शक जरूर इसका जवाब जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि ट्रिपल टेस्ट लिया जाए और उसके बाद ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए, ये टेस्ट क्या है इसके बारे में भी जरा रोशनी डालिए। ट्रिपल टेस्ट उच्चतम न्यायालय के निर्देश ये है कि सबसे पहले आप एक कमीशन का गठन करेंगे, डेडिकेटेड कमीशन होगा जी। वो कमीशन उस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति है, उनकी शैक्षणिक, उनकी आर्थिक, उनकी सामाजिक क्या स्थिति है और उन्हें आरक्षण किस हद तक दिया जा सकता है या किस हद तक दिया जाना चाहिए, किस हद तक देने की उनको आवश्यकता है, इस पर पूरा विचार करके एक अपनी रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को देगी और तब राज्य सरकार उस रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर आरक्षण तय करेंगे, कितना आरक्षण देना है, कहाँ देना है। और वो एक्सरसाइज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2021 में विकास गौली का जजमेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, उसमें डायरेक्शन दिए हैं जी जी जी। ठीक है शरद पाठक साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रोशनी डाली, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। तो याचिकाकर्ता के वकील शरद पाठक साहब अभी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आधार क्या है उनकी याचिका का और क्यों स्टे लगा हुआ है चुनाव की तारीखों की घोषणा पर। मोइन और अनुभव शुक्ला हमारे साथ था बने, उन्होंने इस खबर पर और विस्तार से जानकारी दी प्रयागराज से और लखनऊ से। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विषय निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को स्पष्ट हुआ होगा कि 20 तारीख तक स्टे क्यों है। अब सरकार को रिपोर्ट दाखिल करनी है, सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने बताना है कि ट्रिपल टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो फिर किस तरीके से हुआ है, ये रिपोर्ट सरकार को अब दाखिल करनी है। और इसीलिए 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक चुनाव की तारीखों पर रोक लगी रहेगी। ये इस वक्त की सबसे ताजा और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 20 दिसंबर तक निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हो पाएगी, आगे जब सुनवाई होगी उसमें भी हाईकोर्ट के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी होगी और ये देखना होगा कि सरकार उस प्रश्न का क्या उत्तर देती है, ट्रिपल टी के जो टेस्ट की बात हो रही है उसका क्या उत्तर देती है कोर्ट के सामने। एक और बड़ी अपडेट वाराणसी से, बीएचयू ने 5 रिसर्च स्कॉलर्स को निलंबित कर दिया है जी। उमंग फार्मेसी से जुड़ी शिकायत पर ज्ञापन के दौरान अपशब्द बोले गए थे, बीएचयू ने 5 रिसर्च स्कॉलर्स को 14 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। बीएचयू प्रशासन की कार्रवाई से छात्र गुस्से में है। बड़ी खबर वाराणसी से, उमंग फार्मेसी से जुड़ी शिकायत पर ज्ञापन के दौरान अपशब्द बोले गए थे, आरोप है इन रिसर्च स्कॉलर्स पर और ऐसे 5 रिसर्च स्कॉलर्स को बीएचयू ने सस्पेंड कर दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से छात्रों में गुस्सा है। यह वाराणसी से बड़ी अपडेट, बीएचयू से बड़ी अपडेट, बीएचयू के 5 रिसर्च स्कॉलर्स को सस्पेंड किया गया है। अगली खबर कानपुर देहात से है, भाजपा के सांसद देवेंद्र सिंह भोले का विरोध वहां पर हुआ है।
सांसद को देखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। नेताओं और अधिकारियों को परिजनों ने घेर लिया। वहां पर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया है। पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद बवाल बढ़ता ही जा रहा है। देखिए आप, सांसद देवेंद्र सिंह भोले पहुंचे हैं वहां पर सांत्वना देने के लिए परिजनों को, लेकिन उनका जबरदस्त विरोध हुआ है। वहां पर अधिकारियों का, पुलिस का भी वहां पर जबरदस्त विरोध। पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला बढ़ता जा रहा है। कानपुर देहात। बलवंत सिंह को जिस बेरहमी से जी जी पुलिस जनों ने मारा है जी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के जो इस घटना में साजिश में शामिल हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। शासन स्तर पर और मृतक परिवार के साथ में, बलवंत सिंह के साथ में, उनके पूरे परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। जैसे मुझे घटना का संज्ञान होता है, मैंने उस पर जो मुझे कॉन्ग्लिजेंस लेना चाहिए संवैधानिक तरीके से वो कॉन्ग्लिजेंस लिया है, और इसीलिए मैं उनके यहाँ चल करके आया हूँ, क्योंकि हमारे अपने लोग हैं और किसी के साथ भी हमारी सरकार किसी को अधिकार नहीं देती। कानून को हाथ में लेकर के संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। ये निंदनीय है, घृणित है और इस पर प्रभावी कार्रवाई हो। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में 20 सड़क पर धू धू करके ट्रक जला है और हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से ट्रक में आग लगने की खबर है। देवबंद में रेलवे की ओवरहेड वायर के संपर्क में आ गया ट्रक। कासिमपुर रेलवे फाटक के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक चालक ने आनंद थाने में कूदकर जान बचाई है और फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें देखिए आप। एक्सक्लूसिव सहारनपुर से, ट्रक धू धू करके जल रहा है। देवबंद में रेलवे की ओवरहेड वायर के संपर्क में आने की वजह से यह हादसा हुआ है। अब बड़ी खबर हरदोई से। वहां पर नवीन फल मंडी के बाहर लखनऊ शाहजहां स्टेट हाईवे को फल व्यापारियों ने जाम करके जमकर प्रदर्शन किया है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर व्यापारियों को खदेड़ दिया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी फैल गई, कई व्यापारी गिर गए। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट की माने तो व्यापारी सड़क पर अव्यवस्था फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़क जाम करने वाले व्यापारियों की पहचान कर ली गई है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में घर में घुसकर मारपीट की खबर है। दबंगों की मारपीट का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों ने घर में घुसकर लात घूंसों और डंडों से पीटा है लोगों को। मामूली सी कहा सुनी पर दबंगों ने परिवार को जमकर पीटा है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ के खदरा इलाके की घटना है। ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। वैसे ये वीडियो वायरल है। घर में घुसकर दबंगों पर मारपीट का आरोप है। परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है, कैसे की है, कितने बुरी तरीके से पीटा है घर के लोगों को, ये आप बहुत साफ देख सकते हैं। लखनऊ राजधानी में ये हुआ। दबंगों का कहर बरपा है इस परिवार के ऊपर। अगली बड़ी अपडेट कानपुर से है। केडीए ने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया है। भू माफिया ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। माफिया ने अवैध कब्जा कर बेच डाली करोड़ों की जमीन। गुजैनी थाना इलाके के जरौली बिहारी पूर्वा में बुलडोजर चला है। तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव केडीए का एक्शन आप देख सकते हैं। कानपुर में अवैध निर्माण पर केडीए का बुलडोजर चला है। भूमाफिया ने करोड़ों की जमीन पर कब्जा किया हुआ था, उस पर अवैध निर्माण हो गया और उसके बाद कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस तरीके से बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त किया है। इधर हरिद्वार में भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा ललतारा पुल से लेकर देवपुरा चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। रेलवे स्टेशन बस अड्डा होने की वजह से इस इलाके में जाम लगा रहता था। यह हरिद्वार की तस्वीरें हैं। बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया है।
बड़ी अपडेट है, सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत पर सुनवाई टल गई है। इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर अब 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। रंगदारी मामले में सुनवाई टली है, अगली सुनवाई की तारीख है 21 दिसंबर। सरेंडर के बाद जेल में बंद है इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, और अब रंगदारी मामले में सुनवाई टली है, 21 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया है, और इस बार एमबीबीएस सेकेंड ईयर के मेडिकल छात्र ने एंटी रैगिंग सेल में इस बात की शिकायत की। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के सीनियर मेडिकल छात्र पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्र ने अपनी शिकायत में लिखा है कि सीनियर छात्र रोज ग्राउंड में मैच खेलने के लिए बुलाते हैं, नहीं जाने पर धमकियां दी जाती हैं। सेकेंड ईयर के छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में सीनियर छात्रों पर लगातार परेशान करने का आरोप है। सीनियर्स की वजह से जूनियर छात्र तनाव में है। छात्र की शिकायत के बाद मेडिकल प्रशासन ने एक समिति का भी गठन कर दिया है। रैगिंग की पुष्टि होने पर सख्त सजा देने की बात कही गई है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की बात एक बार फिर से सामने आई है। पिछले हफ्ते एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कानपुर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स की रैगिंग की बात सामने आई थी, उसकी जांच चल रही है। इस बीच एक और रैगिंग का मामला सामने आ गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग सेल की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर सुमनलता वर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक के बाद एक इस तरीके के प्रकरण आ रहे हैं। पहले बात तो ये मामला क्या है जो नया मामला निकल के आया है? देखिए, ये नया मामला आया है 12 दिसंबर 2022 को मेरे संज्ञान में। तो इसमें उन्होंने किसी ने दिल्ली में जो है एंटी रैगिंग सेल में कंप्लेन पोर्टल में डाल दी है कि मेरे साथ रैगिंग हुई है। हम लोगों ने तुरंत उस पर इंक्वायरी की, तुरंत चालू किया काम और 12 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी। रीड करेंगे, अगर किसी ने एंटी रैगिंग की शिकायत की है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में हम लोग जरा भी कोताही नहीं करेंगे। तो रैगिंग की शिकायत मिलने के बाद 12 सदस्यीय टीम को बना दिया गया है। प्रोफेसर जो प्रिंसिपल संजय काला हैं उनके नेतृत्व में, डॉक्टर सुमनलता वर्मा हैं, पुलिस का एक एसीपी लेवल का अधिकारी रहेगा, एसीएम लेवल का एक अधिकारी है। ऐसी 12 सदस्यीय टीम इस बात की जांच करेगी, एंश्योर करेगी कि रैगिंग हो रही है अथवा नहीं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। इधर कानपुर के लाल बंगले के सबसे बड़े कपड़े व्यापारी के घर में लाखों की लूट की खबर है। आरोप यह है कि दीवार फांदकर घर के अंदर घुसे चोर 35 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। आरोप यह भी है कि चोर गहनों के साथ 70,000 की नकदी लेकर भी फरार हो गए। चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। व्यापारी के घर चोरी की खबर है, जो चोर थे वो सीसीटीवी में कैद, और इसी के आधार पर पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। वो फुटेज भी आप देख लीजिए चोरों का जो पुलिस के हाथ है। कपड़े के व्यापारी के घर कानपुर में चोरी की खबर है, इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इन चोरों की तलाश कर रही है। 35 लाख के गहने और जेवरात लेकर चोर फरार, कैसे घुसे अंदर ही देखिए आप। कपड़े के व्यापारी के घर इस तरीके से चोरी की गई, जैसा कि आप देखिए इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि चोर कैसे दाखिल हो रहे हैं इस व्यापारी के घर के अंदर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।